नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में मैं हूं मित्तल, करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करें दोस्तों बहुत ही मजेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत मजा भी आएगा। तो लास्ट टाइम दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी, स्ट्रैटेजी थी कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो बहुत लोगों ने उसको पसंद करा, काफी लोग कहते हैं बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार भी। देखिए उसके अंदर कोई ज्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अगर करोड़ों रुपया कमा सके, अपनी वेल्थ को कई गुना कर सके, तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। जो हमने दोस्तों वीडियो डाली थी लास्ट टाइम, तो वहीं किसी सर ने हमसे पूछ लिया कि एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं कैन स्लिम। ये कैन स्लिम क्या है इसको अच्छे से समझा दीजिए। आज हम इस वीडियो में कैन स्लिम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, और लास्ट में इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे प्रैक्टिकल स्टॉक को कैसे फिल्टर करना है। भाई 4-5 हजार स्टॉक्स है, उनके अंदर से स्ट्रेटेजी वाइज कैसे फिल्टर करना है वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। पिछली वाली वीडियो से बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, क्योंकि काफी लोगों को कुछ परेशानी हो गई थी फिल्टर कैसे करना है समझ में नहीं आया था। तो अगर आप इस वीडियो को फिल्टर को समझ लेंगे तो उस वीडियो को फिल्टर को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ हम उस प्रॉब्लम को भी कवर कर लेंगे आपकी। बात कर लेते हैं कैन स्लिम। कैन स्लिम दोस्तों विलियम ओ'नील एक जो बेहतरीन इन्वेस्टर रह चुके हैं उनके द्वारा विकसित की गई स्ट्रेटेजी है, उनके द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी है। तो कैन स्लिम में जैसा आपको पता है कि 7 अल्फाबेट है, और ये 7 दोस्तों अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट आपको काफी मदद करेंगे स्ट्रेटेजी को समझने में और याद रखने में। सबसे पहले आता है सी। तो जो दोस्तों सी है वो कहता है कि करंट क्वार्टरली ईपीएस इंक्रीज। तो दोस्तों आपको ऐसा ईपीएस ढूंढना है कंपनी का जो कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, फिर भी वो कहते हैं कि जो करंट ईपीएस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए आप ईपीएस को इस तरीके से वॉच करिएगा कि मान लेते किसी कंपनी का जो अर्निंग है ईपीएस जो है पर शेयर की 10 रुपए है, तो पिछले साल सेम इसी क्वार्टर में उसका जो ईपीएस है वो 10 रुपए से कम होना चाहिए, यानी 7 रुपए 8 रुपए 8.9 रुपए इस तरीके से होना चाहिए। और जो पिछले क्वार्टर का ईपीएस है और इस क्वार्टर में जो ईपीएस है इसके अंदर बढ़ोतरी मिनिमम 25% की तो होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि आज 2019 में किसी कंपनी का ईपीएस 10 रुपए है, तो मुझे अगर 2020 में किसी स्टॉक को चूज करना है तो उस कंपनी का जो ईपीएस है वो 10 रुपए प्लस 25% यानी 12.5 रुपए अगर ईपीएस होगा तो ही मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में डालूंगा। तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बोला कि प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पे बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पहली सीख तो ये है कि करंट क्वार्टरली जो ईपीएस है वो इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं ए की, यानी सी के बाद जो ए आएगा कैन स्लिम में, तो ए जो अल्फाबेट है वो कहता है कि एनुअल अर्निंग ग्रोथ, यानी कंपनी की जो एनुअल अर्निंग ग्रोथ है वो मिनिमम 25% होनी चाहिए। कंपनी लगातार 25% की ग्रोथ यानी CAGR से कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, और ऐसी कंपनी के स्टॉक्स आप चूज करेंगे। साथ ही साथ वो आपको ये भी कहते हैं कि कंपनी के डेट को भी ध्यान रखिएगा, आपको ऐसी कंपनियां ही चूज करनी है जिसका डेट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम डेट वाली कंपनी है, यानी जिसका कर्जा कम होना चाहिए, मार्केट के अंदर ज्यादा कर्जदार वाली कंपनी हमें नहीं चाहिए। तीसरा दोस्तों जो अल्फाबेट आता है वो आता है एन। एन पूरा कर लेंगे तो हमारा कैन पूरा हो जाएगा। तो एन जो है वो कहता है कि न्यू प्रोडक्ट न्यू मैनेजमेंट और न्यू ग्रोथ, यानी उसने सब कुछ न्यू कहा, यानी आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसके अंदर आप देखें कि वो नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च कर रही है, मार्केट के हिसाब से चल रही है नहीं चल रही है, मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढाल रही है नहीं ढाल रही है। न्यू मैनेजमेंट, न्यू मैनेजमेंट का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो करंट मैनेजमेंट है वो खराब है, लेकिन कोई नया मैनेजमेंट, कोई ऐसा मैनेजमेंट जो बहुत अच्छा कर सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो व्यक्ति भी मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उसको लेकर आना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये है न्यू ग्रोथ, अगर ये दोनों चीजें मेंटेन करेंगे तो नई ग्रोथ आपको मिलेगी। एग्जाम्पल देना चाहूंगा अमेजोन का। अमेजोन पहले आई, अमेजोन इंडिया में जो फेमस हुई, बेसिकली ऑनलाइन कोई सामान खरीदना चाहते थे रिटेल के बेसिस पे तो हम खरीद सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे जो खासकर जो बिजनेस कर चुके हैं अमेजोन के साथ, कि उसने बल्क वालों के लिए भी काम कर दिया है, बिजनेस वालों के लिए भी उसके अंदर ऐड कर दिया है, यानी रिटेल वाले के साथ बिजनेस वालों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।
उसी के साथ साथ जब अमेजोन पहली बार आया था तो अमेजोन सिर्फ इंडिया के जो सेलर्स थे वो हुआ करते थे और इंडिया के सेलर ही इंडिया में बेचा करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब यूरोप में भी इंडिया के जो यहाँ पर दुकानदार है या सेलर्स है या बिजनेसमैन है, जो मर्जी कह लीजिए, वो अमेजोन के थ्रू ही यूरोप की कंट्रियों के अंदर भी सामान बेच सकते हैं और यूएसए के अंदर भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा एम्पायर है वो बढ़ रहा है, यानी सर्विस बढ़ रही है। तीसरी चीज अमेजोन प्राइम आया, अमेजोन प्राइम के बाद आप देखेंगे अमेजोन बेसिस के नाम से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा बिक्री है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसके साथ अमेजोन ने टाइप कर लिया है, उसमें क्वालिटी चेक्स वगैरह का वो ध्यान रखता है और वो अपने नाम से अपनी नेम का फायदा उठा करके, आप कह लीजिए अपने नाम के सहायता से, वो अच्छी खासी सेल लेकर के आता है, यानी नए नए इनोवेशन। साथ साथ में आप देखेंगे तो ड्रोन से डिलीवरी की जो शुरुआत करने वाला अमेजोन ने सबसे पहले करी, इंडिया में अभी नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो सकता है हो जाए। उसी के साथ साथ आप देखेंगे अमेजोन ऐसे स्टोर खोलने वाला है कि जहां से आप जाएंगे सामान खरीदेंगे, सामान खरीद के बाहर आ जाएंगे और आपका जो बिल बनाने की जरूरत नहीं है और आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिक अमेजोन काट लेगा। तो बहुत सारे ऐसे इनोवेशन, बहुत सारे ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसी नई सर्विस, तो ऐसी कंपनियां जो है वो ग्रोथ करेगी और उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो ध्यान रखना इन सभी चीजों का और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्रोथ है वो आगे मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा अल्फाबेट दोस्तों हमारे पास आता है एस। ये जो दोस्तों अल्फाबेट है ये बोलता है सप्लाई एंड डिमांड, ऐसे स्टॉक्स को चूज करिए जितना सप्लाई और डिमांड दोनों हो। देखिए एक तरफ है स्मॉल कैप, एक तरफ है लार्ज कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप में ग्रोथ आपको हो सकता है ज्यादा देखने को मिल जाए, स्मॉल कैप में जो ग्रोथ है वो धीरे मिलती है, स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है लेकिन लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी स्टेबल रहती है। स्मॉल कैप के अंदर डिमांड सप्लाई की जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, कई बार आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स खरीद लें वो बेचने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन लार्ज कैप में जो सप्लाई और डिमांड है वो बहुत अच्छी रहती है। वहां बहुत सारे लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए का माल खरीदने के लिए बैठे, एक सेकंड में खरीद सकते हैं, एक सेकंड में बेच भी सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे स्टॉक चूज करने हैं जिसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड बहुत अच्छी हो। आपको ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर सप्लाई डिमांड नहीं है, और आप लार्ज कैप में भी पैसा लगाएंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा मार्जिन से आपको प्रॉफिट वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगला दोस्तों जो हमारे पास अल्फाबेट आता है वो आता है एल। एल क्या कहता है? लीडर एंड लेगर। लीडर एंड लेगर का मतलब यह है कि आपको ऐसे स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर नंबर एक, नंबर दो या नंबर तीन पर हो, यानी उससे ज्यादा नंबर वाले को रखने ही नहीं। भाई ये नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन क्या है? नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन ये है दोस्तों, अगर हम आईटी कंपनी की बात करें तो आईटी कंपनी के अंदर नंबर वन कंपनी टीसीएस है, ठीक है। दूसरी अगर हम ऑयल एंड गैस में बात करें तो हमें रिलायंस मिल जाती है, रिलायंस के तो और भी मल्टीपल वर्क है लेकिन ज्यादातर हमें रिलायंस देखने को मिल जाती है, और भी ऐसी कंपनियां जो टॉप पर है। तो आपको ऐसी कंपनियां चूज करनी है जो नंबर एक, नंबर दो या नंबर तीन की पोजीशन पर हो। लीडर के लिए दोस्तों इसलिए ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि मार्केट की खराब कंडीशन के अंदर जो सबसे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं वो लीडर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट के अंदर जो पकड़ है वो बड़ी अच्छी रहती है, आगे के जो उनके गोल्स है वो हमेशा दूसरी कंपनी से ज्यादा रहने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। तो ऐसे स्टॉक कम रिस्की होते हैं और ज्यादा रिटर्न देने वाले होते हैं। आगे दोस्तों जो अल्फाबेट आ रहा है वो आ रहा है आई। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सरशिप, यानी ये क्या है? ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक जो संस्थागत निवेशक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, संस्थागत निवेशक कौन होते हैं? जो दूसरों का पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं और यूज मनी मतलब बहुत ज्यादा मनी मार्केट के अंदर लगाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, जैसे कि हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बहुत सारे ऐसे संस्थागत निवेशक जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा पैसा लगाते हैं। तो जो आप स्टॉक खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको वॉच करना है क्या उसके अंदर कोई संस्थागत निवेशक है, कोई DII है जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो कोई हमारे पास ऐसा निवेशक है जिसने पैसे लगा रखा है मार्केट के अंदर, अगर वो ऐसा निवेशक है तो हम मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा समझदार है, वो बहुत ज्यादा पैसा दूसरों का लगा रहा है, यानी लोगों का पैसा लगा रहा है, तो उसकी जो एनालाइज करने का तरीका है या उसका जो एनालाइज है वो बहुत डीप हो सकता है, बहुत गहराई में हो सकता है। दोस्तों हमारा जो लास्ट अल्फाबेट है वो रह गया एम। एम पूरा कर लेंगे तो जो कैंसिली में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एम है मार्केट डायरेक्शन। आपका जो स्टॉक है, देखिए हमने यहाँ पर जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो मार्केट की डायरेक्शन है वो क्या कहती है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉक भी एक्टिव होना चाहिए मार्केट के साथ साथ। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं है कि मार्केट का फंडामेंटल अच्छा है लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ रहा। आपको ऐसे स्टॉक चूज ही नहीं करने जो मार्केट के साथ अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, अपने आप में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना है और ऐसे स्टॉक्स में ही पैसा लगाना है जो मार्केट के साथ ही एक्टिव हो जाते हो और मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसकी डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है निफ्टी के चार्ट को और स्टॉक के चार्ट को मिलाकर देखना, अगर उसका चार्ट निफ्टी के चार्ट से बेहतर लग रहा है या उसके बराबर भी लग रहा है तो वो डायरेक्शन अच्छी मानी जाएगी, राइट। तो ये दोस्तों हमारा कैंसिलिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बात करेंगे अब स्क्रीन के ऊपर कि आपको स्क्रीनर की सहायता से जो स्टॉक्स है वो कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बिल्कुल हम एक्यूरेट इसी स्ट्रेटेजी पे कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर काफी हद तक हम इसको फिल्टर कर लेंगे। तो देखते हैं भैया कैसे करना है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर हम आ गए हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, वो है screener.in। जब आप ये लिखेंगे इंटरनेट के ऊपर अपने गूगल के अंदर लिखेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा screener.in स्टॉक स्क्रीनर एंड एनालिसिस टूल, राइट। जब आप इस टूल को लगा लेंगे तो आपको जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ नाम लिखा है मेरा अनमोल मित्तल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने से पहले साइनअप करना होता है। तो अगर आपने इस वेबसाइट में अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो साइनअप करके एक बार अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा। और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब जब हमने इसको यूज़ करना है, हमने लॉगिन इसको कर लिया है, तो जैसे आप होम पेज पर आएंगे तो होम पेज में नीचे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्रिएट ए सर्च क्वेरी। तो ये कह रहा है कि आप अपनी कंडीशन डाल दो, आप हमें एक कंडीशन डाल दो, उस कंडीशन के हिसाब से जो आपकी कंडीशन होगी हम स्टॉक को फिल्टर करके दे देंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने कॉफ़ी कैन की बात करी थी तो उसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन है कुछ इस तरीके से डलती है कि जैसे कि मान लेते हैं मैं चाहता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ, मैं एक ऐसा स्टॉक चाहता हूँ जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 7 ईयर में रही हो 20% से ऊपर, ठीक है ना। ये मैंने कंडीशन डाल दी, या 20 लिख दिया, परसेंटेज में ही करेगा ये। तो प्रॉफिट ग्रोथ 7 ईयर्स ये होनी चाहिए 20 से ज़्यादा, यानी 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब मैं इस क्वायरी को रन करूँगा और आपको दिख रहे होंगे तकरीबन 500-550 ऐसे स्टॉक्स आ गए जिनकी जो पिछले 7 साल से जो अर्निंग है, एवरेज अर्निंग है, वो 20% से ज़्यादा रही है, राइट। तो ये मैंने कंडीशन यहाँ डाली थी तो इसने हमें सर्च करके दे दिया। तो इसी तरीके से हमें यहाँ कंडीशन लगानी होती है और कंडीशन के हिसाब से आपकी कंडीशन पूरी कर लेता है। तो हम कैंसिलिंग की जो स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पर कंडीशन लगाएंगे। तो आपको सहूलियत रहे और आप भूले ना, तो इसके लिए हमने क्या करा है कि हमारी जो वेबसाइट है tradingchanakya.com, इस वेबसाइट के अंदर हमें हमारे पास एक ऊपर ऑप्शन आता है टेक्निकल एनालिसिस टूल का एक मेन्यू है। आप इस पे जाएंगे, माउस को लेकर जाएंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा कैंसिलिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी screener.in कोड। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इस कोड को आप सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है और कॉपी करके जो आपका क्वायरी वाला बॉक्स था उस क्वायरी वाले बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये आपकी सारी कंडीशन यहाँ लग गई। अब कंडीशन में चेक करा देता हूँ, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स, कैंसिलिंग स्ट्रेटजी कहती है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल का वो 25% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर कहते हैं हम और, एंड का मतलब और क्या कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि एवरेज रिटर्न और इक्विटी, जो हमारा एवरेज रिटर्न है इक्विटी का पिछले 3 साल का, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको ROE कहते हैं, वो 17% से ऊपर होना चाहिए। ये हमने दूसरी कंडीशन डाल दी। तीसरी कंडीशन हमने डाल दी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, भाई 5,000 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनियाँ हैं वही दिखाना, क्योंकि अगर हम छोटी कंपनी देख लेंगे तो हमने कंडीशन देखी थी कि कंपनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे होनी चाहिए, तो छोटी कंपनियां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे नहीं आती है। तो जिसका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है वही कंपनियां ऊपर आएगी। तो 5,000 तो मिनिमम है, इसमें मिड कैप स्टॉक्स ही आएंगे तो यहाँ से हम इसको वॉच कर सकते हैं। चौथी हमने कंडीशन लगा दी EPS का लेटेस्ट क्वार्टर, यानी जो हमारा लेटेस्ट क्वार्टर चल रहा है EPS का, अर्निंग जो चली है, जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसका बिल, उस क्वार्टर से 1 साल पहले का जो क्वार्टर था, तो वो
आज का जो क्वार्टर है पिछले एक साल के क्वार्टर के मुकाबले जो ईपीएस है वो ज्यादा होना चाहिए। हालांकि हमें 25% चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे कोई एक बहुत अच्छा टूल नहीं मिल रहा जिसमें मैं ये कंडीशन लगा पाऊँ कि 25% ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हमें थोड़ा सा मैनुअली देखना पड़ेगा। तो ये चार कंडीशन लगा के हम क्या करते हैं, रन दिस क्वायरी। तो इस क्वायरी को जब हम रन करते हैं तो हमारे पास 28 स्टॉक्स ऐसे आ गए हैं कि जो हमारे ये चार कंडीशन पूरी करते हैं। तो ये चार कंडीशन पूरी करने के बाद आपका काम खत्म नहीं है, आपका काम शुरू हुआ है। बल्कि अब आपको ये 28 स्टॉक्स में थोड़ी सी माथापच्ची करनी है और आपको ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जो कैंसलिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको पूरा करते हो। तो मैंने एक स्टॉक देखा था अभी रिसेंटली, मैं जब सर्च कर रहा था तो वो था सुंदरम फास्टनर का। तो सुंदरम फास्टनर का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो हमारी जो पहली कंडीशन थी ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर, तो इसमें लिखा है 5.29 यानी 5.29 रुपये जो लेटेस्ट क्वार्टर है, और ठीक एक साल पहले का जो क्वार्टर था उसमें 4.36 था। तो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि जो ईपीएस की ग्रोथ है वो 25% हो गई है। तो हमारी ये कंडीशन तो पूरी हो गई, बाकी चार कंडीशन तो पहली पूरी हो गई थी। चलिए तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, कंपनी का क्या देखना था, मार्केट डायरेक्शन देखनी है। तो ये देखिए चार्ट देखिए इसका, कितना बेहतरीन चार्ट है। 2008 या 9 की बात करें 55 रुपये का स्टॉक था, 2019 में 19 रुपये 10 रुपये का स्टॉक्स था, और ये जो स्टॉक की वैल्यू अभी चल रही है वो 500 रुपये चल रही है। यानी 10 रुपये का स्टॉक जो था 2009 में तो 500 रुपये का हो गया, यानी कितना गुना बढ़ गया है, 500 टाइम्स बढ़ गया है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं, भाई अच्छा ग्रोथ चल रहा है, अच्छा आरओई चल रहा है, हेल्थी डिविडेंड कंपनी देती है, तो सारी चीज़ें हमें सही दिख रही है। अब यहाँ पर आ गया पीयर कंपैरिजन, ये सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या है कि यहाँ पर इसके मुकाबले यानी इसकी इंडस्ट्री की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ दिखाई दे रही है। तो उसमें आप मार्केट कैप देखेंगे तो 10,911 करोड़ मार्केट कैप है सुंदरम फास्टनर का, लेकिन जो अनदर कंपनी है उनका मार्केट कैप इससे कम है। तो ये नंबर वन यानी टॉप कंपनी है, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन जब पूरी हो गई, अब हमारे पास और क्या कंडीशन रह गई, हमें ये देखना था कि जो संस्थागत निवेशक है, जो बड़े निवेशक है, उनकी होल्डिंग है या नहीं है इस स्टॉक पे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नाम है इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम एक वेबसाइट का सारा लेंगे जिसका नाम है मार्केट मोजो। मार्केट मोजो पे जब जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है मार्केट्स मोजो का, आप क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इसके स्टॉक के बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कोई पैसा नहीं खर्च करना होता। तो यहाँ पर सर्च कंपनी में हम जाएंगे, ऊपर दिख रहा होगा हमने लगाए सुंदरम फास्टनर लिमिटेड। जब हमने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ दिख जाएगी कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कंपनी का डेट ऑन इक्विटी, अगर ये 1 से कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 से ज़्यादा होता है तो थोड़ा रिस्की होता है। तो ये 0.37 है तो अच्छी बात है, कंपनी का जो डेट है वो भी कम है, बहुत ज़्यादा डेट कंपनी का नहीं है। और ऊपर आपको कुछ रेशोज दिख रहे हैं जिसमें हम आ रहे हैं शेयर होल्डिंग में। अब शेयर होल्डिंग में हमें चीज़ें पता लग जाएगी भाई किन किन लोगों ने इसको खरीदा हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से ताकि आपको दिखाई दे, ये देखिए। तो यहाँ देखेंगे जो म्यूचुअल फंड्स है 9.94% की होल्डिंग, मतलब ऑल ओवर जितनी भी इसकी कैपिटलाइजेशन है 10% तो इसने खरीद लिया। FII ने भी खरीदा हुआ है, ये भी दोनों जो है बड़े संस्थागत निवेशक हैं। और इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं खरीदा हुआ है, अदर जो DII है इन्होंने भी खरीदा हुआ है। 50% तो प्रमोटर की होल्डिंग है, और जो नॉर्मल नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हम जैसे लोग रिटेल निवेशक, इन्होंने खरीदा हुआ है। तो ये सारी कंडीशन जो है लगभग लगभग पूरी होती है टेक्निकली। अब आती है कि हमने एक कंडीशंस देखी थी कि कंपनी के आगे के अगर गोल देखने हैं, तो कंपनी के आगे के गोल देखने के लिए आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जो बिजनेस स्टैंडर्ड है वो आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। आप गूगल पे भी नॉर्मली सर्च कर सकते हैं सुंदरम फास्टनर के जो आगे की गोल है, आगे की पॉलिसी है उसके बारे में। तो ये जब कंडीशंस हमारी पूरी होगी तो हम इस स्टॉक को लगभग लगभग सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ये सेलेक्ट कर लिया स्टॉक्स, तो आपको फॉलो करते रहना है हर रिजल्ट में, हर जगह उसको चेक करते रहना है। और जब भी आपको लगे कि कोई कंडीशन ख़राब हो रही है, फंडामेंटल ख़राब हो रहा है, टेक्निकल ख़राब हो रहा है, या कोई कंडीशन मिसमैच होती जा रही है, तो आप उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स है आपको हर क्वार्टर में मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ
23 स्टॉक्स दिखा रहा था, 28 स्टॉक दिखा रहा था, तो इसी में से चूज करना पड़ेगा। हर क्वार्टर में जो है रिजल्ट्स आपको कुछ अलग मिल भी जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, आप 10-15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं इसी तरीके से, और अपने होल्डिंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर मेहनत नहीं करनी, कुछ करना नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सिर्फ निफ्टी खरीद लो, सेंसेक्स खरीद लो, स्ट्रेटजी इंडेक्सेस है जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी, कोई और कर रहा है, NV20 है, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है, तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिसके अंदर भी आप 19% 18% का CAGR तो ले ही लेते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो ज़रूर बताइएगा, और मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।